आइए आपको दिखाते हैं बृजभूषण शरण सिंह पर यह अपडेट, क्योंकि बृजभूषण पर अब बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा एक इंटरनेशनल रेफरी ने किया है। जगबीर सिंह गवाही दे रहे हैं कि उन्होंने बृजभूषण की हरकतों को अपनी आंखों से देखा है। बृजभूषण पर जो महिला पहलवानों ने आरोप लगाए हैं वो उसके चश्मदीद हैं। जिस तरह से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली महिला पहलवानों ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर दी, अब हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है, क्या बृजभूषण की गिरफ्तारी होगी? तो सबसे पहले आपको बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन करने वाली महिला पहलवानों में से एक विनेश फोगाट का सबसे ताजा ट्वीट दिखाते हैं। बृजभूषण की यही ताकत है, वो अपने बाहुबल राजनीतिक ताकत और झूठे नैरेटिव चलवाकर महिला पहलवानों को परेशान करने में लगा हुआ है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी जरूरी है। पुलिस हमें तोड़ने के बजाय उसको गिरफ्तार कर ले तो इंसाफ की उम्मीद है, वरना नहीं। और अब आपको भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण पर एक और बड़ा खुलासा दिखाते हैं। इस खुलासे से यकीनन बृजभूषण की मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अब महिला पहलवानों की एफआईआर के बाद बृजभूषण पर एक इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह ने एक बड़ी गवाही दी है। सुनिए क्या कह रहे हैं जगबीर सिंह। आपके सामने कभी कुछ हुआ या फिर आपको ऐसा लगा कि बृजभूषण शरण सिंह जो है किसी महिला पहलवान के साथ गलत तरीके से पेश आ रहे हैं? हाँ, बहुत बहुत हुआ मेरे सामने, लेकिन हम लोगों ने इसलिए कोई आवाज नहीं उठाई क्योंकि जब तक कोई बच्ची शिकायत नहीं करती तो हम नहीं बोल सकते। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे वाक्य हुए जो हमने बहुत बुरे लगे, लेकिन हम किसी बच्ची के बारे में नहीं बोल सकते और भाई प्रेजेंट के बारे में कैसे बोल सकते हैं। जगबीर कहते हैं कि महिला पहलवानों के साथ जो कुछ बृजभूषण ने किया वो उसके गवाह, उन्होंने खुद देखा है। अब तक वो चुप जरूर थे लेकिन अब नहीं रहेंगे। जगबीर सिंह की ये गवाही भी सुनिए। जैसे बृजभूषण शरण सिंह जी कहते हैं कि कब हुआ, तो वो आज सुन लें। 2013 में थाईलैंड पुकेट में हुआ। रात को डिनर के समय बृजभूषण जी ने इंडियन खिलाड़ियों के लिए इंडियन फूड की व्यवस्था करवाई और उसमें खुद दारू के नशे में और जो उनके साथी थे वो दारू के नशे में और बच्चियों के साथ बहुत अभद्र व्यवहार हुआ, उसके हम साक्षार हैं। दिल्ली पुलिस आरोपों की जांच में जुटी है। उम्मीद है कि 15 जून तक ये जांच खत्म हो जाएगी। सवाल ये भी है कि क्या जगबीर सिंह की गवाही बृजभूषण की गिरफ्तारी करवा सकती है? नितिन श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक।